तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव ने गाइस अपनी शादी को लेकर अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में काफी कुछ अपडेट्स दी है। और यहाँ पर गाइस एल्विस यादव ने ये भी कहे कि मैं जब भी शादी करूंगा तो काफी ज्यादा सोच समझ कर करूंगा। बाकी यहाँ पर गाइस एल्विस यादव ने इसके बारे में और भी क्या कुछ कहे अपनी शादी को लेकर, आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए। कौन सा सपना रह रहा हूँ, मेरा कौन सा पूरा हो गया भाई? पहली बात तो शादी ना हुई, ये तो मेरा सबसे बड़ा सपना शादी का। शादी करना इज माय बिगेस्ट ड्रीम, क्योंकि भाई मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। देखो ऑटोमेटिक शादी की बात आ गई तो एक छोटा सा ज्ञान बनता है, शादी इज द बिगेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। क्योंकि हम देखो बाहर अंग्रेजों की तरह तो है नहीं, एक छोड़ी एक पकड़ी, करेक्ट? सही बात है भाई। अगर आपकी शादी होगी तो एक ही बार होगी, नहीं तो फिर ना मैं एक बात बताता हूँ, एक ना ये बहुत बड़ा टर्म है हमारे समाज में यूज होता है, डिवोर्सी का टर्म है ना। तो इस चीज के पीछे ना ये है कुछ नहीं वैसे कायदे से देखा जाए, दो जने साथ रह रहे हैं अब नहीं है साथ में, डिवोर्स हो गया वो बात, बट जो लोग हैं उस नजरिए से देखते हैं कि भाई फलाना आदमी तो ये है, फलाना आदमी को तो छोड़ के चली गई, या फिर जो भी बहुत चीजें होती हैं, तो समाज में बड़ा टर्म है। तो भाई शादी करो तो सोच समझ के करना, सोच समझ के आज इनकी एक ही बार डिसीजन लिया जाए, अगर जिंदगी में ब्याह करो और उसी के साथ रहना तुम्हें कितने साल मान लो जिंदगी भर जब तक मरोगे नहीं। हाँ मतलब वही साल तो बहुत सारे हो गए ना, मान लो नेक्स्ट 40 साल ही मान लो, मतलब मैं नेक्स्ट 40 साल जिंदा रहा, अभी से डबल ही लगा लो, तो कितना टाइम उसके साथ गुजारना है। बारिश आ गई। बाकी आप लोग गाइस यहाँ पर एल्विस यादव के इस वीडियो क्लिप को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस, एल्विस यादव की बात हो ही गई तो अब बात कर लेते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो आप लोगों को गाइस अभी के टाइम में कीर्ति मेहरा के हेल्थ इश्यूज के बारे में तो पता ही, अभी के टाइम में गाइस इन्होंने कोई भी किसी भी सोशल मीडिया में कुछ भी अपडेट नहीं दिए हैं, लेकिन कीर्ति मेहरा का गाइस एक फैन पेज है जिन्होंने इस वाले फोटो को शेयर किए हैं। आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।